हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल, बिना अवन के, बिना कढ़ाई के, बिना प्रीहीट करे, सिर्फ और सिर्फ तवे पर 10 मिनट में बनने वाला पिज़्ज़ा की रेसिपी दूंगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा डो के लिए हमने ले लिया है 250 ग्राम मैदा, 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट, ये बाज़ार में ईजिली अवेलेबल होती है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 कप गुनगुना पानी पिज़्ज़ा डो को गूंदने के लिए। अब हम एक बाउल में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर पिज़्ज़ा डो रेडी कर लेंगे और इसको आधे से 1 घंटे के लिए ढक कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे बाद इस पिज़्ज़ा डो का साइज़ डबल हो चुका है। इस डो में से हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये हमने पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए ले लिया है टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग। जो भी वेजिटेबल्स आपके घर पर मौजूद हों उससे भी आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर सकते हैं। ये हमने ले लिया है मोज़रेला चीज़। अब हम इस डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और ये हम 1 पार्ट लेंगे और इसको तवे पर स्प्रेड कर लेंगे। अब हम फोक की मदद से पिज़्ज़ा बेस पर होल्स कर लेंगे और इसको स्लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे घर पर दोनों साइड से सिकी हुई पिज़्ज़ा बेस पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो एक साइड से सेक कर और दूसरी साइड पर टॉपिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस हमारा होममेड है, अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के बाद हम इस पर वेजिटेबल्स, चीज़, ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अब हम तवे पर बटर ग्रीस करेंगे और इस पर ये पिज़्ज़ा रख देंगे और 10 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा और पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको कई तरीके की पिज़्ज़ा की रेसिपी दूँगी।